मस्त नहा धोकर आया हूँ मैं, इसलिए थोड़ा चंपू चंपू टाइप लग रहा हूँ। तो आते हैं सीधा मुद्दे पे। आज के दिन में ट्रेलर रिलीज हुआ है दृश्यम 2 का, और इसको देखने के बाद एग्जैक्टली मेरा क्या रिएक्शन है, मुझे कैसा लगा, इसी बारे में बात करूंगा, और आपको कितनी एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए इस मूवी से, इसी बारे में बात करूंगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो फॉर द प्रीकैप एंड रीकैप इतना बता दूं, 2015 में 2 अक्टूबर और 3 अक्टूबर को कुछ हुआ था। किसी ने पाव भाजी खाई थी, किसी ने फिल्म भी देखी थी, किसी ने बस का टिकट भी लिया था। अगर याद है तो ये मूवी आपके लिए। और पिछले 7 साल में भी अगर आपको 2 अक्टूबर और 3 अक्टूबर का मतलब नहीं पता, तो जाओ भाई जाकर के पहले पता करो कि दृश्यम में 2 अक्टूबर 3 अक्टूबर क्या था, तभी ये मूवी आपके काम के लायक है। जो थंबनेल पे लिखा है उस पे भी आऊंगा, लेकिन सबसे पहले बात करता हूँ कि ट्रेलर में क्या दिखाया गया है। ट्रेलर में दिखाया जा रहा है विजय सालगांवकर को, जो कि भाई अपने स्टाइल को चेंज कर चुके हैं। विजय सालगांवकर को पता चल चुका है कि 2015 के बाद जो है ये दाढ़ी का ट्रेंड आ गया है, क्योंकि मैं भी अभी रखना शुरू किया हूँ, वरना पहले मैं भी उबला आलू था भाई। तो भाई साहब ने दाढ़ी रख ली है, जिसके वजह से काफी स्टाइलिश लग रहे हैं। और उसके बाद से कहानी में दिखाया जा रहा है कि जो भाई केस है वो रीओपन हो रहा है 7 साल के बाद, और इसके पीछे का रीजन दिखाया जाता है कि अक्षय खन्ना ने एंट्री मारी है, जो अब इस केस को फिर से री इन्वेस्टिगेट करने वाले हैं। और अक्षय खन्ना के एंट्री होने के बाद में भाई ये अंदर में फीलिंग आ जाती है कि ये कहीं ना कहीं एक जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि अक्षय खन्ना जब भी किसी थ्रिलर मूवी में एज अ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आते हैं या फिर खुद क्राइम करते हुए दिखते हैं जैसे कि रेस में, तो भाई काफी जबरदस्त लगते हैं। मतलब अक्षय खन्ना और इन्वेस्टिगेशन की एकदम जबरदस्त सा जोड़ है, और ये फेविकॉल का जोड़ है जो कभी नहीं टूटेगा। मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, आप किसी से भी कुछ भी चिपकाओ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। कहानी में आगे ये दिखाया जा रहा है कि विजय सालगांवकर को जो है अपने इस चीज पे पूरा भरोसा था कि कभी भी सच नहीं छुपता है, एक ना एक दिन जो है पकड़ा जाता है। मतलब आपने क्राइम किया है तो यू हैव टू पे फॉर दैट, ऐसा कुछ भी नहीं है कि क्राइम नेवर पेस। ये चीज मैंने क्राइम पेट्रोल से सीखा है, और ये बात मुझे किसी और ने नहीं, अनूप सोनी ने सिखाया है, वो भी सोनी टीवी पे। तो कभी ना कभी पकड़े जाओगे। उसके बाद से एक शॉट दिखाया जाता है जो कि टीजर में दिखाया गया था कि मैं विजय सालगांवकर और ये मेरा कन्फेशन है, भाई जबरदस्त होने वाला है। तो ये पूरा ट्रेलर देखने के बाद में जो फील हुआ वो यही हो रहा है कि भाई एक जबरदस्त कंटेंट है, दृश्यम 2 जो है वो भी दृश्यम 1 के जैसे लोगों को हिट कर जाएगी। लेकिन ये पिटने वाली बात जो आ रही है ना वो ये है, तो दृश्यम 1 को जिन्होंने डायरेक्ट किया था वो अब नहीं रहे, और उनके बदले में जो है अभी अभिषेक पाठक जो है इस पूरे फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं, जिन्होंने इस पूरे फिल्म को जो है एक स्टाइलिश लुक देने की कोशिश की है। और नो डाउट हिंदी इंडस्ट्री में जब कोई मूवी आती है वो भी रीमेक के नाम पे, तो भाई उसके ऊपर में थोड़ा पैसा लगा करके और पॉलिश की जाती है। बस अब ये ज्यादा चमकाने धमकाने के चक्कर में अगर ये मूवी कहीं डगमगा गई तो भाई लोगों का फिर से चालू हो जाएगा कि रीमेक डजंट वर्क। बट आई होप कि ऐसा ना हो, और अजय देवगन, अक्षय खन्ना और तब्बू मिलकर के जितना प्रॉमिसिंग इस ट्रेलर को बना चुके हैं, जितना दमदार हमें फील करवाया है, आई होप कि मूवी देखते समय में भी ऐसा ही हो, और जो ओरिजिनल है उसकी एसेंस को कहीं पे भी ना खोए, और जो स्टोरी है उसके साथ में कोई भी छेड़छाड़ ना करे, क्योंकि दृश्यम 1 जो है वो ओरिजिनल के साथ में कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई थी, सेम टू सेम ही रखा गया था, और उसके अंदर में कोई भी चीज ओवर द टॉप करने की कोशिश नहीं की गई थी। इसी वजह से फिल्म पिट भी सकती है या फिल्म पिटने से बच भी सकती है। बाय द वे आपका क्या कहना है आप कमेंट सेक्शन पे जाकर के बताओ। आपने ट्रेलर देख लिया है तो बताओ आपको ट्रेलर कैसा लगा, और अगर आपने ट्रेलर नहीं देखा है तो जाकर के फटाफट से देखो और पता करो कि क्या हुआ था 2 अक्टूबर और 3 अक्टूबर में। सो दैट वाज माय ऑनेस्ट रिएक्शन फॉर दिस ट्रेलर। व्हाट्स योर टेक, प्लीज डू कमेंट। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो।